हेलो एवरीवन, आई अटेंड ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आज आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी की है, उसकी हाइलाइट्स क्या हैं और उसके अंदर हमारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। तो वीडियो में जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन जानकारी आपके पास तुरंत पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो के अंदर। वीडियो के अंदर आ गए हैं यहाँ पे। पहली जो अनाउंसमेंट है वो आरबीआई ने रेपो रेट है उसके अंदर 0.25% बढ़ाई है और 6.5% कर दिया है, जो अभी ठीक ही है, कोई ज़्यादा काम नहीं किया है। एमपीसी के 6 सदस्य हैं, उन 6 सदस्यों में से 4 सदस्य रेट हाइक है उसके पक्ष में हैं कि अभी रेट हाइक होना चाहिए। फिर है आरबीआई की अकोमोडेटिव रुख की वापसी पर कायम है आरबीआई की, हम अकोमोडेटिव रुख यानी कि उदारता का रुख वापस लाने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे FY24 में कोर महंगाई दर है उसको 4% रहने का अनुमान लगा के चल रही है। कोर महंगाई का मतलब है कि लॉन्ग रन के अंदर जो इन्फ्लेशन है उसका, FY24 में रियल GDP ग्रोथ है उसको 6.4% रहने का अनुमान है। यहाँ पे 6.4% रखा है इन्होंने, जो कि बजट के अंदर 7% के करीबन रखा था, तो यहाँ पे कम अनुमान मान के चल रहे हैं FY24 में ये। FY23 में महंगाई दर 6.5% रहने का अनुमान है। ये महंगाई दर है वो पहली 6 माही के अंदर रहने का अनुमान है और जो पूरे FY23 के अंदर है वो पूरी की पूरी साल के अंदर महंगाई दर है वो 5.3% अनुमान मान के चल रहे हैं। यहाँ पे जुलाई के बाद से जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्फ्लो है यानी कि फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट आता है वो बढ़ा है। इसके बाद में G20 के सभी जो पर्यटक होंगे, G20 देश से जो भी पर्यटक आएंगे इंडिया के अंदर, उनको UPI से पेमेंट करने की सुविधा दी जाएगी और G20 का जो प्रेजिडेंसी है वो इंडिया के पास ही है। अभी सरकारी बॉन्ड मार्केट का समय पहले की तरह 9 बजे से 5 बजे तक कर दिया जाएगा, जो अभी 9 बजे से 3:30 बजे के करीबन तक है। लोन पर पेनल्टी चार्ज में ट्रांसपेरेंसी के लिए नियम लाने की योजना बना रहे हैं कि जो बैंक लोन देते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी हो और जो वसूली है और उसमें जो पेनल्टी लगा दी, बैंक अलग अलग प्रकार की पेनल्टी लगा देते हैं तो उनके ऊपर ट्रांसपेरेंसी हो, तो इसके लिए योजना बना रहे हैं। यहाँ पे बाद में आ रहा है कि FY23 की दूसरी 6 माही में CAD में कमी का अनुमान है। CAD का मतलब है करंट अकाउंट डेफिशिएट, करंट अकाउंट डेफिशिएट में कमी होने की संभावना है। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए सही है क्योंकि इम्पोर्ट थोड़ा कम होगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो ये हमारे इकोनॉमी के लिए सही है।